चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 20 फरवरी को पंजाब चुनाव की वोटिंग के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में पुलिस ने यह कदम उठाया है। मोगा के डीएसपी सिटी जगदीप सिंह गिल ने यह जानकारी दी है कि दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मोगा जिले में सूद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को मोगा में मतदान केंद्रों पर जाने से रविवार को रोक दिया था। सोनू सूद के ऊपर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद आयोग ने यह कदम उठाया है। सोनू सूद ने इन आरोपों से इनकार किया है। मोगा विधानसभा क्षेत्र से सोनू सूद की बहन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मोगा थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि सोनू सूद मोगा के एक गांव में अपनी बहन के लिए प्रचार कर रहे थे। वह गांव में वाहन में बैठे मिले थे और ऐसा करके उन्होंने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन किया है। मोगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह सोहेल ने सोमवार को कहा था कि सोनू सूद को वहां नहीं होना चाहिए था और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।